मैं अपने चाकघाट की धरती को, चाकघाट के परिवार को शीश झुका करके प्रणाम और नमन करता हूं। मंचासीन हमारे पारिवारिक सदस्य और मार्गदर्शक आदरणीय कौशलेश तिवारी जी, आदरणीय कौशलेश द्विवेदी जी, गंगा द्विवेदी जी, हमारे नगर पंचायत के युवा कर्मठ अध्यक्ष भाई विभव जायसवाल जी, हमारे मंडल के अध्यक्ष छोटे भाई दिलीप मिश्रा जी, त्योथर मंडल के अध्यक्ष बड़े भाई राजनारायण तिवारी जी, आदरणीय दशकों से जिनका मेरे परिवार से संबंध रहा है, आदरणीय अलख नारायण गुप्ता जी, आदरणीय अशोक पांडे जी, मुन्नालाल जी, मनोज भैया, शुभाला गुप्ता जी, सतीश भैया, आदरणीय अशोक पांडे जी, एवं मंच में मैं सबको नाम से जानता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं, श्रद्धेय मंच। और छोटा होने के मेरे बचपन के मित्र, हमने साथ में सालों तक क्रिकेट खेला है, भाई प्रशांत पाठक जी, और मौजूदा सभी हमारे वरिष्ठजन, आप सबको प्रणाम करता हूं, छोटा होने के नाते आशीर्वाद की अपेक्षा रखता हूं। और जो मेरे सामने बैठे हुए हैं, जिनसे ये देश चलता है, जिनसे ये प्रदेश चलता है, जिनसे भारतीय जनता पार्टी सांस लेती है, हमारे चाकघाट अंचल की जनता, जिन्होंने मुझे अपना आशीर्वाद दे दिया है। सिद्धार्थ तिवारी जिंदाबाद, सिद्धार्थ तिवारी जिंदाबाद। और इस आशीर्वाद के लिए मैं अपना शीश झुका करके, हाथ जोड़ करके, कितना भी धन्यवाद आप लोगों को दूं, इस ऋण से मैं और मेरा परिवार कभी उऋण नहीं हो पाएगा। आप लोगों को आशीर्वाद के लिए पुनः प्रणाम और नमन करता हूं। और हम उन सौभाग्यशाली लोगों में से हैं कि हमारा परिवार इस ऋण में दबता ही जा रहा है। अभी मेरे ऊपर दो पीढ़ी का ऋण था, मुझे आशीर्वाद देकर के आपने एक पीढ़ी का ऋण मेरे ऊपर और चढ़ा दिया। और इसीलिए भगवान राम के इस रामलीला मंच से इस बात की मैं घोषणा करता हूं कि सिद्धार्थ तिवारी आपका इतना ऋणी है, मेरा परिवार आपका इतना ऋणी है कि मेरे शरीर का एक एक कण और मेरे जीवन का एक एक क्षण आपकी सेवा में गुजरेगा, इसका मैं वादा इस मन से करता हूं। मैंने आपसे कहा था 15 तारीख को ही हमारे यहां पर वार्तालाप हुई थी, इसी तरह खचाखच भरा हुआ था। और मैंने आपसे कहा था कि सनातन की लड़ाई है, भारत की लड़ाई है, और हम ये जीतने जा रहे हैं। मैं एक निमित्त मात्र हूं, मैं एक चेहरा हूं, चूंकि नामांकन भरने के लिए कोई एक नाम चाहिए होता है, पैन कार्ड चाहिए होता, आधार चाहिए होता, तो वो मेरा लग गया। लेकिन
चुनाव ये आप सब ने लड़ा है और आप सब ने जीता है। और चाखाट ने विशेष मुझे आशीर्वाद दिया है और जो वादा आपने मुझसे किया था वो आपने पूरा किया है। अब बारी मेरी है, बारी सिद्धार्थ तिवारी की है अपना वादा पूरा करने की। खुशी की बात है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई, सत्ता पक्ष से आपने मुझे भेजा है, काम करने का मौका थोड़ा ज्यादा मिलेगा और ये धरती इसने मेरे बाबा को आशीर्वाद दिया है, पूजनी श्रद्धे स्वर्गीय रमाकांत तिवारी जी को आशीर्वाद दिया है, आदरणीय विधायक श्यामलाल द्विवेदी जी को आशीर्वाद दिया है और इन लोगों ने, इन महापुरुषों ने जो जो काम किए हैं उसका बोझ, उसका भार मेरे युवा कंधों पर है और इसका वादा करता हूं कि जो कुछ भी मुझसे हो सकेगा उस काम को मैं आगे ले जाने में कोशिश करता हूं। मंच में मैं उम्र में सबसे छोटा हूं, खुद ही भूल जाता हूं कभी कि मैं विधायक हूं, क्योंकि मैंने जिस संस्कृति से आता हूं, जिस खून से आता हूं, जिस घर से आता हूं, वहां पर चुनाव सिर्फ एक महज प्रक्रिया है। क्योंकि प्रजातंत्र में काम करने के लिए आपको भोपाल के सदन में जाकर के अपनी बात रखनी होती है, इसलिए जनता आपको चुन करके भेजती है। लेकिन राजनीति सिर्फ वहां खत्म नहीं हो जाती। मैंने जो अपने घर में अपने बाबा से सीखा है वो राजनीति का मतलब होता है लोकनीति, और नारायण की सेवा का मतलब होता है नर की सेवा। मुझे जो ये मौका मिला है आपकी सेवा करके, नर की सेवा करके, नारायण का सेवा करने का, पूरा जीवन मैं इसमें देने वाला हूं, इस मन से इस बात की मैं घोषणा करता हूं। चाक में बहुत सारे काम हैं, सड़क का काम है, कॉलेज का काम है, तहसील उपतहसील का काम है, इन सारे कामों का मैं संज्ञान ले चुका हूं और मेरा सपना है कि अगर आपने एक युवा सोच को चुना तो एक नई सोच के साथ, एक नई सरकार के साथ, मोदी जी और शिवराज सिंह चौहान जी की जो नीतियां हैं उनको लेकर के और उसमें अपना प्रयास कर करके कैसे अधिक से अधिक योजनाएं हम त्योंथर विधानसभा और चाकघाट में खींचे, इसके लिए मैं पूरा भरसक प्रयास करूंगा और ये प्रयास मेरा कल से ही चालू हो जाएगा। काम किया है, काम करेंगे। उम्र में छोटा हूं, अगर कोई गलती हो तो ना केवल मंच बल्कि यहां सामने बैठे जितने मेरे बड़े हैं कान खींचकर मुझे समझा दीजिएगा, मैं सुधर जाऊंगा। काम करने की इच्छा है, जैसे घर का एक बच्चा काम करता है उस तरह काम करूंगा। और लोग बात तो बेटे के तौर पे पैदा होते हैं, लेकिन जब मैं पैदा हुआ था तो अखबारों ने लिखा था कि त्योंथर के विधायक बाबा बने, तो मैं तो आपके नाती के तौर पे पैदा हुआ। बहुत कम लोगों को यह भाग्य मिलता है, तो जितना मेरा आपके ऊपर हक है उससे कहीं ज्यादा हक आपका मेरे ऊपर है और आपने चुन करके भेजा है, ये आपकी सीट है। हर एक व्यक्ति आम उससे सीधा जुड़ेगा, किसी को किसी के माध्यम से आने की जरूरत नहीं। फोन का जमाना है, मैं स्वयं रहूंगा,
इंटरनेट का जमाना है, कोई कोई लड़के तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट करते हैं। करते हो कि नहीं करते हो? करते हो कि नहीं करते हो? बहुत सारे माध्यम हो गए सूचना प्रौद्योगिकी के, हर माध्यम से आप मुझसे सीधे जुड़ सकते हैं। एक बात मैं इस मन से एकदम साफ कर देना चाहता हूं, आपने सिद्धार्थ तिवारी को विधायक बनाया है, आप सीधे सिद्धार्थ तिवारी से काम लीजिए, आपका हक सीधा सिद्धार्थ तिवारी के ऊपर है, आपको किसी के माध्यम से आने की जरूरत नहीं। ये मैं बड़ा एकदम सीधा बोलना चाहता हूं साथियों, लेकिन ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है जी, नाली भी बनेगी, सड़कें भी बनेंगी, ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, ये अभी सेमीफाइनल है। अभी हमने दो दीपावली मनाई है, मैंने बोला था इस मंच से तीन दीपावली मनाना है। पहली दीपावली हमने दीपावली के रूप में दीपोत्सव में मनाई, दूसरी दीपावली 3 तारीख को सनातनी सरकार बना करके हमने मनाई, और अब तीसरी त्रेता की सबसे बड़ी 500 साल की हमारी जो लड़ाई है, उस लड़ाई उस संघर्ष में जो रामलला वापस अवतरित हो रहे हैं साथियों, 22 जनवरी को हमारी ये तीसरी सबसे बड़ी दीपावली होगी। बोलिए आप तैयार है कि नहीं तैयार है? राम मंदिर के लिए तैयार है कि नहीं तैयार है? जोर से बोलिए, एक ही नारा एक ही नाम, एक ही नारा एक ही नाम। वादा याद है मुझे, चलना है राम मंदिर, बड़ी से बड़ी संख्या में चलना है हमें। और इतना ही नहीं, ये तो मैं बोल रहा था, हमारे गृह मंत्री उसके बाद बोल के चले गए कि अब राम मंदिर तो सरकार ही देखाने ले चलेगी। साथियों, जब जनता का मन सरकार के मन से, जब सनातनी सरकार आती है तो वो जानती है कि जनता जनार्दन क्या चाहती है। लेकिन अभी सेमीफाइनल हुआ है, विधानसभा का चुनाव हुआ, 4 महीने बाद देश के भविष्य का चुनाव होने वाला है। साथियों, आपके काम के लिए तो मैं हूं ही, शिवराज सिंह चौहान जी तो है ही, अब एक बार एक बड़ी चोट मारनी है और देश में भगवा लहराना है। समय बहुत कम है, राम की लड़ाई है, सच्चाई की लड़ाई है, भारत की लड़ाई है, और ये लड़ाई हमारा योद्धा नरेंद्र मोदी हमारे लिए लड़ रहा है। साथ तो बोलिए, 2024 में भाजपा के लिए तैयार है कि नहीं तैयार है? दोनों हाथ खड़ा करके बोलिए, तैयार है कि नहीं तैयार है? 22 तारीख के लिए चली कि नहीं है? चलेगा, तैयारी है। साथियों, पुनः एक बार कह रहा हूं, आपने जो प्रेम दिया है इसको मैं इस जीवन में नहीं उतार सकता, इसका ऋण नहीं उतार सकता, परंतु जो एक मानव से होता है, सिद्धार्थ तिवारी के पास और कोई काम नहीं है, ना मैं कोई पूंजीपति हूं, ना मेरा कोई शोरूम है, ना मेरा कोई धंधा पानी है, मेरे धंधा पूंजी सब आप लोग हैं। आपसे मैं हूं, आपसे ही मैं चलता हूं, आप ही मेरे बाबा और पिता के ना रह जाने के बाद आप ही मेरे बड़े हैं, आप ही मेरे बूढ़े हैं, आप ही मेरा परिवार, और इस परिवार ने जब जब मेरे परिवार को जरूरत पड़ी है, त्योंथर हमेशा हमारे साथ खड़ा रहा है। आप लोगों को पुनः एक बार धन्यवाद देता हूं इस आशीर्वाद को देने के लिए। हाथ जोड़ करके आशीर्वाद दे, आपको आशीर्वाद, आपसे आपका जो मिला है धन्यवाद देता हूं, और ये निवेदन करता हूं कि 24 घंटे आपके लिए अवेलेबल हूं, जब चाहे जहां चाहे इस्तेमाल करें। हमारे वरिष्ठ जन बैठे हुए हैं मंच पर, आप सबका भी मार्गदर्शन मुझे मिलता रहता है, जहां कहीं फंसूंगा कोई दिक्कत आएगी आपका मार्गदर्शन लूंगा। लेकिन जीवन में जब भी मैं फंसता हूं, मुझे मेरे बाबा ने यही बताया था कि जीवन में जब वो दुखी होते थे, ऐसा लगता था कोई समस्या होती थी, तो आपके बीच में ही आते थे। मैं भी आपके ही बीच में आया था, आया हूं, आता रहूंगा, साथ में मिलकर काम करेंगे।
त्योंथर का भविष्य बनाएंगे, त्योंथर को प्रदेश के मानचित्र में एक सम्मानजनक जगह दिलाएंगे साथियों, इसीलिए काम करता रहूंगा। जय हिंद, जय भारत।